हेलो गाइस, मैं सूरज राज आज आपकी नई वीडियो के साथ दोस्त आए हैं। और आज जो वीडियो बनाए आपके लिए लेके आए वो है जूलॉजी का फर्स्ट पेपर। जी हाँ, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। जूलॉजी का फर्स्ट, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। किसके? बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए। तो याद रखना, केवल इस वीडियो में हम केवल आपको 20 क्वेश्चन देने वाले हैं, और 20 क्वेश्चन याद करके आप ला सकते हैं 85% प्लस। जी हाँ, 85% प्लस ला सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। देखिए, मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलने वाला, क्योंकि जो भी बताऊंगा ना वो क्लियर बताऊंगा। आपको तो पता ही होगा 2018 का रिजल्ट जो रहा है वो कितना रहा है से बताना। वो रहा है केवल 28% बच्चे पास हुए थे। 100 बच्चों में से केवल 28 बच्चे पास हुए थे। वो रहा था पूरे यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ गिरी थी, 28 गिरी थी। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, मतलब कि 28% पास हुए, अब क्या हुआ देखो। उसके बाद 2019 आई, अब 2019 का क्या रिजल्ट रहा? 2019 का जो रहा वो 32% रहा। 100 में से 32%, मतलब कि 4% ही बच्चे पास एक्स्ट्रा हुए। पहले 28% हुए थे, फिर उसके बाद 32% हुए। कितने परसेंट? 4% ज़्यादा बच्चे पास हुए। अब क्या है, 2020 की बात करने वाला हूँ। देखते हैं 2020 में क्या होता है। को काफ़ी यूनिवर्सिटी ने पैटर्न अपना बदल दिया है, उस पैटर्न को हम बताएंगे क्या क्या बदला। एक वीडियो बनाएंगे आपको लिए, बहुत ज़्यादा शानदार होगी। यदि वो आप देख लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। उस वीडियो को ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपकी लाइफ को बदल देगी और आपके अंदर जो झिझक है ना फेल होने की, वो कभी डर खत्म हो जाएगा। सच्ची दिल से डर खत्म हो जाएगा। वो मतलब कि आपके जो ब्राइन में जो एक घबराहट हो रही है, और इस घबराहट के कारण हम पढ़ नहीं पाते। याद रखना, हम खाना नहीं खा पाते, हम किसी से बोल नहीं सकते। उस घबराहट, एक घबराहट होती है फेल ना हो जाऊं। तो यार इस माइंड को बिल्कुल मैं आपको फ्रेश कर दूंगा। इतना पैटर्न बेस्ड कर दिया है कुछ यूनिवर्सिटियों ने, तो उन यूनिवर्सिटी का नाम भी बताऊँगा आपको, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर जितने भी वाले हैं उनको सारी जानकारी दी जाएगी। वो वीडियो बहुत जल्दी आपको अपलोड करने वाले। तो यहाँ देखिए बात करने वाले, पहले चलो क्वेश्चन को पहला देख लो। पहला क्वेश्चन देख लो, जूलॉजी का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और केवल मैंने कहा था 20 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दूंगा। 20 क्वेश्चन आप देखिए, यदि आपके पास बुक है, किताब है, नोट्स है, कुछ भी है, तो फटाफट आप खोलिए, फटाफट खोलिए। और एक बात बता दूँ, यदि आपको केमिस्ट्री के नोट्स डाउनलोड करना है, केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट डाउनलोड कर लेना केमिस्ट्री के नोट्स। बीएससी सेकंड ईयर वालों के केमिस्ट्री के नोट्स बन चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जानते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन जिसे कहते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन, उनकी भी पीडीएफ हमने बना दी। जी हाँ, पीडीएफ, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 2020 में यदि आप वो याद करके जाते हैं, वो डाउनलोड करके याद कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट देखिए, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन को देखिए। यहाँ बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2020 के एग्जाम के लिए, बैग्नोग्लॉसिस। देखिए हाँ, देखिए यहाँ बोला बैग्नोग्लॉसिस, ग्लॉसिस एक जंतु होता है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखना। जी हाँ, उसकी अंदर जो आंतरिक संरचना वो किस प्रकार से दिख रही है, और उसका एक लार्वा होता है। अब ये जंतु हुआ, अब जंतु की पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा कैसे हुआ? पहले क्या छोटा सा ना अंडा होगा, अंडे से निकला होगा, फिर लार्वा पैदा हुआ होगा, वो कैसे बना, इस ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो जाती है, इंक वगैरह होना ना, तो लार्वा के बारे में। तो लार्वा क्या होता है आप जानते हैं? इसका जो लार्वा होता है बैग्नोग्लॉसिस का, वो होता है देखिए टॉर्नेरिया लार्वा का सजीव साइकिल, मतलब चक्र, इसके लाइफ साइकिल के बारे में देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2020 के लिए। उसके बाद में दूसरा आपका जो जंतु आता है वो आ जाता है एम्फियोक्सिस। जी हाँ, एम्फियोक्सिस को हम बैक्रियोस्टोमा भी कहा जाता है, ये दोनों नाम से भी पूछ सकता है एग्जामर, आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुछ भी करेगा वो। उसके बाद में देखिए बात करने पाचन तंत्र। जी हाँ, उसके बाद में देखिए इन बैग्नोग्लॉसिस या देखिए एम्फियोक्स या फिर आपको पूछेगा कि बैक्रियोस्टोमा का पाचन तंत्र लिखिए, या फिर पूछेगा उत्सर्जन तंत्र। यार आप जानते हो किसी भी जंतु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो खाता कैसे है, वो कैसे उत्सर्जन करता है, मतलब कि जो मूत्र है वो कैसे त्याग करता है, उत्सर्जन पसीने के द्वारा, अपने पसीने द्वारा, मूत्र द्वारा, काफ़ी थोड़ा एक्चुअली जो अवशेष पदार्थ है उसे बाहर निकाल देते हैं शरीर से, ठीक है, बॉडी से। इसी प्रकार से जंतु भी निकालते हैं, उनका क्या किस प्रकार से उत्सर्जन होता है ये आपको देख लेना है। उसके बाद में आ जाता है रुधिर परिवहन तंत्र। जी हाँ, वो आ जाता है रुधिर परिवहन तंत्र होता क्या है, ठीक है ना। और इसका जो आपका जो एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्स होता है एक जंतु होता है एम्फियोक्सिस, उसका जो एक अंग होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है, वो क्या है, ऑर्गन, जिसे हम व्हील ऑर्गन कहते हैं। तो व्हील ऑर्गन पे टिप्पणी आती है लिखने के लिए, ये बात याद रखना, टिप्पणी आती है शॉर्ट में, वो देख लेना, याद कर लेना। चलो ठीक है, इतना याद हो गया हमें, 2 क्वेश्चन याद हो गए सर। चलो देखिए, एक दिन में आप एक क्वेश्चन याद करते हैं तो 20 दिन में 20 क्वेश्चन याद हो जाते हैं, नो टेंशन। बहुत दिन है अभी एग्जाम के लिए, 2 में 6 60 दिन है अभी एग्जाम के लिए, 60 दिन एग्जाम के लिए हैं, 50 60 दिन, और बस 20 दिन में आपको सारे के सारे याद हो जाते हैं, तो काहे की प्रॉब्लम है यार, ये मत सोचिए। 9 देखिए, यहाँ एक आधे घंटे में एक क्वेश्चन याद कर दोगे आप,
ठीक है ना। मान लो कि आपने एक घंटे में एक क्वेश्चन याद किया, नौ पेपर हैं, कितने होते हैं, नौ पेपर हैं आपके, तीन केमिस्ट्री, तीन जूलॉजी, तीन बॉटनी, नौ क्वेश्चन, नौ क्वेश्चन मतलब कि केवल दिन में नौ क्वेश्चन याद करिए, बस 20 दिन में मतलब 9 घंटा पढ़िए, चाहे भले ही आप आधा आधा घंटा पढ़िए, लेकिन 9 घंटे 9 सब्जेक्टों को पढ़िए, साथ में 9 पेपरों को पढ़िए, और उसके बाद में 20 दिन में पूरा ख़त्म, सारे के सारे सिलेबस ख़त्म। आपको कोई फेल, आपके पास होने से कोई रोक सकता है, कोई फेल करने वाला पैदा है आपको, बताओ, नहीं है ना। तो यार कुछ आप ब्राइन में सोचिए समझिए, उसके बाद कुछ अच्छा करिए, कुछ यार नाम करके जाइए, ठीक है ना। और मैंने कहा है ना, जो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा टॉपर करेगा, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा, उसके लिए सूरज, मतलब सूरज रात पेपर हैकर परिवार आपके लिए एक सरप्राइज देगा, एक 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 बेस्ट गिफ्ट देगा, ठीक है ना, ये हमने सोच रखा है। तो सबसे ज़्यादा टॉपर कौन बनता है देखते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो आता है वॉइस का। देखिए वॉइस हार्डमेरिया, हार्डमेरिया आप जानते हैं, हार्डमेरिया एक जंतु है, उसकी बाहर संरचना जी हाँ, वो कैसे बाहर से कैसे दिखता है, उसकी कितनी टांगे, उसके कितने पैर होते हैं, उसका कितना मुंह होता है, वो कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, यही सब बाहर संरचना के बारे में लिखना होता है, वो कुछ होता है। उसके बाद में होता है स्वभाव, या स्वभाव की बात आती है, हैबिट, वो रहता कैसा है, वो कैसे खाता है, वो क्यों कहाँ रहता है और कैसे शिकार करता है, ये स्वभाव हो गया। आहार नाल आ जाती है यार, उसका पाचन कैसा होगा, बाहर नाल की बात आ जाती है, तो वो मुँह से खाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कैसे जाता है, फिर कैसे कितने देर उसके उसकी आंतों में रहता है खाना, यही सब कुछ लिखना है, और कितनी देर बाद ये त्याग देता है, यही सब कुछ, तो इसके आहार नाल वगैरह यही सब कुछ लिखना होता है, कुछ नहीं होता। जंतु के बारे में एक बार पढ़ लेते बस याद हो जाता है। चलो अब उसके बाद में आ जाता है, देखिए नख, और आपको बता होगा जो हार्डमानिया होता है, वो हार्डमानिया का उसके बाद में एक इसका एक संघ होता है, वो होता है यूरोकार्डेटा जी हाँ, यूरोकार्डेटा का एक जंतु है हार्डमेनिया, ठीक है, हार्डमानिया, और उसके समान लक्षण कैसे, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे होते हैं, और उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है ना, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए आप जानते हैं हार्डमानिया का जो एक लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा जी, टैडपोल लार्वा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए, टैडपोल लार्वा को याद लिख रहे हैं, और अंडे की संरचना, इसके हार्डमानिया का अंडा कैसे होता है, ठीक है ना, गोल होता है, चौड़ा होता है, सफ़ेद होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ लिख देना है, ठीक है ना, मुर्गी के अंडे की तरह जैसे भी होता है, जैसे बता देना है। उसके बाद में आ जाता है, आप एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सरीसृपों के समान लक्षण, अरे क्या बात है यार, मज़ा आ गया, सरीसृपों को तुम जानना बहुत जरूरी आता है यार, सांप, ये सांप होते हैं, होते कैसे हैं, सांप सपेरे आप तो जानते होंगे, काफ़ी नाटक करने के लिए लोग आते हैं गाँव में, शहरों में करते हैं, सांप को लेकर आते हैं, वो सरीसृप लक्षण कैसे होते हैं, ये जीभ होती है इनकी, फटी हुई जीभ होती है, ये जल थल दोनों में रहते हैं, इनका स्कैन कैसे होती है, ये सब कुछ बता देना है, वर्किंग कर देना है। चलो अब बात आ जाती है यार, सांप दो प्रकार के होते हैं जी, बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला होता है जिसे हम कहते हैं बिसैले सांप, हाँ यार बहुत बिस होता है, जैसे कोबरा कहते हैं, ब्लैक कोबरा जानते हो, कोबरा नांग जिसे कहते हैं, वो होता है बिस, मतलब वो होता है सर्व बिस, ठीक है ना, बिसैले सर्व, और एक होता है बिस्वहीन, ठीक है ना, जिसमें सांप में बिस नहीं होता। तो यहाँ देखिए बात करने वाले एक बिसैले सर्व की बिस उपकरण उपकरण और दंश यंत्र क्या होता है, उसके दांत कितने होते हैं, उनके वर्णन करना है दांतों के बारे में। अब उसके बाद में आ जाता है बिसैले और बिस्वहीन सांप, दो प्रकार के सांप बताए थे मैंने, और बिसैले कैसे सांप होते हैं जैसे कौवरा, और बिस्वहीन सांप कैसे होते हैं जैसे कि अजगर वगैरह, सॉरी जो जो जिसे हम जो मतलब कि जिसमें जहर नहीं होता वो बिस्वहीन सांप कहलाते हैं। आप एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत है तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, देखिए आ जाता है एक्सोलोट, देखिए एक्सोलोट लोटल एक्सोलोटल लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा जी हाँ, एक्सोलोटल लार्वा के बारे में आप देख लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, वो आ जाता है मेटाथीरियस जी, मेटाथीरियस के वितरण के बारे में, और जरा सजायता का वर्णन करना है, सजायता का वर्णन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और ये क्वेश्चन देखिए टिक लगाते रहिए, टिक लगाते रहिए, हम बता रहे हैं आपको, इनसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, 85% प्लस लाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी दबाना पड़ेगा ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और मैंने ये भी बोल रखा है कि आपको 10 क्वेश्चन पेपर से पहले दूंगा, उन क्वेश्चनों को आप याद करके जाते हैं तो आपको 70% वहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, आपको हराने वाला कोई फेल करने वाला पैदा नहीं। तो यहाँ बात करने वाले हैं स्तनधारियों के दंत, वाह मज़ा आ गया यार, स्तनधारी तो जानते ही हैं उनके दंत संरचना के बारे में, दंत विन्यास के वर्णन, क्या बात है, परिवर्धन के वर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों के बारे में जान लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए, जूलॉजी है तो जंतु के बारे में तो आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हेमिकार्डेटा जी हाँ, हेमिकार्डेटा के लक्षण, ये एक संघ होता है हेमिकार्डेटा, उसके लक्षण के बारे में देख लेना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हम कहते हैं हेमिकार्डेटा एक जंतु होता है, जैसे हम देखिए सेग्लोसास कहते हैं, ठीक है ना, साइक्लोग्लॉसिस के बारे में, साइक्लोग्लॉसिस है उसकी जंतु होता है, उसके आप टिप्पणी लिख देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो हमें, हम देखिए एक फुफ्फुस भी कहते हैं, फुफ्फुस को हम एक जिप्नोई भी कहते हैं, सॉरी डिप्नोई, ठीक है ना, डिप्नोई,
जिसे मछली कहते हैं। तो फिफस मछली का मतलब होता है फेफड़ों वाली मछली, ठीक है ना। लंग्स लंग्स फिश, ठीक है। उसके लक्षण उदाहरण के बारे में देख लेना, वो कैसे दिखती है, यही सब कुछ। उसके बाद में आपको पूछ लेना, एक आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बस दो क्वेश्चन और रहेगा, उसके बाद खत्म, क्वेश्चन पूरे खत्म, पेपर हो चुका है पूरा खत्म, आपको बस इतना याद कर लेना है। और यहाँ देखिए बोला जा रहा है हिप्पो, देखिए हिप्पो कैंपस, हिप्पो कैंपस होता क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2020 के लिए हिप्पो कैंपस। और नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्विलेंस क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिख देनी है, शॉर्ट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्थियोफिस, उसके बारे में देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पादप विहीन उभयचर का टिप्पणी, जी हाँ पादप विहीन उभयचर क्या होता है उसके बारे में, बस इतने क्वेश्चन देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप 80 मतलब कि 85% प्लस चाहते हैं तो इन सारे क्वेश्चनों को याद करिए, ठीक है ना। तो हमारी वीडियो आपको, मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, तो यार अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे आप और अपने। और नेक्स्ट वीडियो हम बताने वाले हैं आपको ये वाला जी हाँ, जूलॉजी का सेकंड पेपर 2020 में आने वाले क्वेश्चन, इनकी वीडियो बहुत जल्दी हम बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन इतना आपको याद करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सारी की सारी वीडियो डाल रखें, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री फिजिक्स सारी याद कर लीजिए। हाई स्कूल इंटर में आपको कोई भाई है तो यार उन्हें भी हमारे यूट्यूब चैनल पेपर है करके बारे में बताइए, क्योंकि उनके लिए भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, वो ही याद करें, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। तो लाइक एंड शेयर, थैंक यू।